तो यार बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे थे कि भैया कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे को टिप्स दे दो। तो यार आज की वीडियो में वही सारे टिप्स में बात करूंगा जो मैंने अपने टाइम पे चीजें फील करी वहां से कुछ टिप्स निकले, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यार देखो वीडियो 5-6 मिनट का होने वाला है, टाइम हो तो सजेस्ट ये करूंगा कि यार अच्छे से देखो लो पूरा वीडियो, अदरवाइज देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा वीडियो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यार एक बुक आती है जेईई मेंस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करके, तो वो बुक होना बहुत जरूरी है। फायदा इस बुक का फायदा क्या है, सपोज तुमने रोटेशन बहुत अच्छे से कर रखा है, तुम्हें उस पर ग्रिप आ गई, तो अब बुक में जाओ, बुक में क्या रोटेशन नाम का तुम चैप्टर खोलो कि सारे क्वेश्चंस वहां पे लिस्ट डाउन है जो कि 2000 से लेके 2019-20 तक के जितने आ रखे होंगे ना भाई, तुम सारे क्वेश्चंस को ट्राई मान लो और वो सिर्फ एक प्लेस पे रखे, बार बार कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा है इधर उधर जाके, समझ रहे हो। वो बेस्ट बुक है, वो होना जरूरी है, ठीक है। नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, ठीक है, कुछ भी करो बट होना जरूरी है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार बहुत सारे बंदे शायद यहाँ पे होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी होगी, तो यार ये सबसे बड़ी गलती है, टेस्ट सीरीज मस्ट है, ठीक है। ओके और शायद कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है बट यार वो उतने सीरियसली ले नहीं रहे उस चीज को, मतलब टेस्ट सीरीज अगर एग्जाम देना है उन्हें तो वो एकदम हवा में देके चले जा रहे हैं भाई, ये नहीं, टेस्ट सीरीज का अगर एग्जाम देना तो पूरी इसमें जान लगाती नहीं। क्योंकि यार देखो होगा क्या कि यार जो टेस्ट सीरीज का आउटपुट है उस आउटपुट को एनालिसिस करके ही तो हमें चीजें पता लगेगी कि यार मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी चीजें तुम्हें पता लग रही हैं जो जो गलतियां उन्हें तुम्हें अपनी डायरी में लिखना है, और जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है उसमें ये पूरी कोशिश करना कि यार ये मैं गलतियां ना करूं, ठीक है। ओके तो यार अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिन्हें ये दिक्कत आती होगी कि यार वो फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे यार, चैप्टर को पढ़ा और 2 दिन में चैप्टर दिमाग से निकल गया। तो भाई सिंपल सा फंडा है यार, एक डायरी बनाओ, तो यार तुम्हें वहां पे अपने फॉर्मूलेस वगैरह नोट डाउन करते रहना है। बट यार इसमें मैं एक सुधार करना चाहूंगा, होता क्या है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि यार उन्होंने सपोज कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा और तुरंत फॉर्मूले वाली बुक रखी और वहां पे चैप्टर का नाम डालो और फॉर्मूले लिखना चालू कर दिया। नहीं, ये तो करना ही नहीं भाई, मेरी बात सुनो ढंग से। तो मेरा मानना ये है कि जब तुम्हें चैप्टर पे पूरी तरीके से कमांड आ जाए, पूरी तुम्हें ग्रिप हो जाए उस चैप्टर पे, तो तभी नोटबुक में सारी चीजें लिखने का फायदा है। अब देखो जो फॉर्मूला होता है उसके भी 3-4 फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। जब तुम्हें चैप्टर पे कमांड आ गई है तो होगा क्या कि यार कुछ तुम्हें नई नई ट्रिक्स भी पता लगेंगी और कुछ तो ऐसे भी एग्जाम्पल हो गए यार जहाँ पे तुम्हें जिस एग्जाम्पल को देख के तुम्हारे माइंड में घंटी बजती होगी, जहाँ पे काफी चीजें याद आ जाती होंगी। तो चैप्टर का नाम कर लो, तो वो सारी चीजें नोट डाउन करो यार, ट्रिक्स नोट करो, फॉर्मूले नोट करो और कुछ एग्जाम्पल, तो वो राइट स्ट्रेटजी है, ठीक है। ओके बहुत ही छोटा पॉइंट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम्हें करना क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार फॉर्मूला रिवाइज करने में दिक्कत आती होगी, भूल जाते होंगे बार बार, ठीक है। तो हर रात सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले वो जो फॉर्मूले वाली बुक है ना उसे भाई स्कैन मार दो, पेज पलटते जाओ और चीजें देखते जाओ जल्दी जल्दी, तुम्हें ना एक माइंड सेट होता रहेगा, तो फॉर्मूले सेट हो जाएंगे माइंड में। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, प्लीज इसे एक बार अप्लाई करके देखना, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो जो क्या करते हैं यार, उनकी एक हैबिट होती है कि टेबल पे खाना खाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो यार मैं सच बताऊं तो ऐसे हो नहीं पाता, तुम्हें मतलब करना क्या है, खाना खाना है, ठीक है, 25-30 मिनट लगता है खाना खाने में, उसी टाइम पे क्या करो, फॉर्मूले वाली तो बुक है अपने पास वो रखो ना यार, फॉर्मूले वहां पे पेज पलटो, वो चीजें माइंड सेट करो, माइंड सेट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। ये जरूरी नहीं कि भाई तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं सच्चाई बताऊं ना अगर तुम 70% कोर्स भी कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड मतलब वो एग्जाम में जाके होना ही चाहिए, 70% कोर्स भी है ना तो भी सिलेक्शन आएगा। मेरे साथ एक हॉस्टल में बंदा था जब मैं जेके प्रिपरेशन करता था, अभिषेक पाल नाम का बंदा, उस बंदे के पता सब्जेक्ट उसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, उसके सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग थी, मैथ उस बंदे को नहीं आती थी। तो उस बंदे ने करा गया यार, वो बंदा जरा भी डिप्रेस नहीं हुआ, उस बंदे ने ऐसी तगड़ी स्ट्रेटजी अपनाई, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना। उसने साल भर भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना अच्छे से पढ़ा और उसने मैथ में क्या करा कि उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस छांट लिए जहां से क्वेश्चंस हमेशा आने के चांसेस रहते हैं और सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस बंदे ने पता फिजिक्स में कितने क्वेश्चन कर लिए, उसने फिजिक्स में 21 क्वेश्चन सही मारे और उसने केमिस्ट्री में क्वेश्चन सही कर दिए थे 23 और मैथ में एकदम गिरी हुई हालत में भी उस बंदे ने 7 क्वेश्चन सही कर दिए थे। अब सोच लो कितने क्वेश्चन हुए, 21 + 23 कितना हुआ, 44 + 7 जोड़ो कितना हुआ, 51 51 × 4 कितना होगा, 204। ये 204 नंबर ना तो बंदा 2 साल की तैयारी करता है उसे भी लाने में दिक्कत हो जाती है। तो समझ रहे यार मतलब डिमोटिवेट तो होना ही नहीं यार, बहुत बंदे सोचते हैं कि यार मेरे पास तो 2 ही सब्जेक्ट है, मुझे मुझे एक में तो कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या कर पाऊंगा भाई, नहीं।
और यहाँ पे यार कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। भाई एक बंदा तो मेरे साथ, वो बंदा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, 80 क्वेश्चन 90 में, समझ लो बहुत बड़ी डील होती है यार ये। और मैंने तो भाई करे थे 55। तो अब हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो भाई अनफॉर्चुनेटली उस बंदे के नंबर कम थे। रीजन सीधा सा है कि अपन क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार, समझ लो। तो बहुत चीजें मैटर करती है यार, हर चीज में सोच समझ के काम करना होता है, ठीक है। तो बस मुद्दा यही है कि यार जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, वहां पे बस क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस वे में पढ़ना है, जरूरी नहीं कि तुम सारा सिलेबस पढ़ो। ओके, तो यार ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट थे, बट यार सारे के सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनका फर्क पड़ता है सीरियसली। तो बस आज के लिए यही है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि यार बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि यार कुछ स्टडी मटेरियल बताओ, मतलब मेरे को एग्जैक्टली क्या चीजें करनी चाहिए। ओके, तो एट लास्ट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो भाई मैंने यार 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। रेजोनेंस की ज्वाइन कर रखी थी, और कोटा की कौन सी है, वाइब्रेंट एकेडमी, और जो मेरी कोचिंग थी ना, मैंने इंडिविजुअली कोचिंग ले रखी थी, तो उनकी भी टेस्ट सीरीज। तो भाई 3-4 टेस्ट सीरीज अरेंज हो रही थी, तो हर संडे को भाई 3-4 एग्जाम्स होते थे, किसी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन मैं कर नहीं पाता था। तो ये बकवास चीज है, नहीं करना। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो बट अच्छी करो, ठीक है। तो यार जो मैंने अपने टाइम में नोटबुक बनाई थी यहाँ पे सारे फार्मूलाज और ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स वगैरह, तो वो मेरे पास अब भी है यार ये रही। तो यार यही बुक ही ना जेई मेंस का तैयार है। मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रात पहले तुम जितनी सारी बुक्स हैं, जितने नोट्स हैं, क्या तुम उन सबको रिवाइज कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। और मैं तो बताऊंगा भाई, एक रात पहले पढ़ना भी नहीं होता। तो करना क्या, ये जो बुक है ना तुम्हारी, जो तुम्हारी नोटबुक है, बस इसी को यार पेज पलटते रहना और एक फ्रेश माइंड से चीजें करते रहना, माइंड सेट करते रहना, ठीक है। और बस एग्जाम अच्छे से देना। ओके, तो यार ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से, बट यार कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना अगर तक नहीं दबाई, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि यार मैं कुछ स्टडी मटेरियल बताऊंगा तो उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। जल्दी वीडियो आने वाला है, तो बस तब तक ले एंड टेक केयर।